दोस्तों नमस्कार, यू आर वॉचिंग भैया जी के बोल और मैं हूं आपका साथी रमेश भंसाली। आज हम हमारे मंच पर उनको बुला रहे हैं जिनका काम है अलग अलग मंचों पर जाना और प्रस्तुतियां देना। जी हां, ब्लू स्टार ऑर्केस्ट्रा के एंकर जिमी, जिनको मिलती है हमेशा तालियों की जगह गालियां, लेकिन गालियां क्यों मिलती है, तो चलिए आइए बुलाते हैं जिमी को। ओ जिमी 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 जिमी, आजा 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 आजा, जिमी 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 जिमी, आजा। आप गाइए, मेरा मंच है, मैं गाऊंगा। ओ जिमी 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 जिमी, आजा 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 आजा। हेलो एवरीवन, आप लोगों की विशेष फरमाइश पर द ब्लू स्टार ऑर्केस्ट्रा के मान संचालक जिमी आप लोगों के बीच में बीच में बीच में बीच में। हेलो, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिमी जी, आप तो बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं। मेरी आदत में कार्यक्रम को बेहतरीन करना। अच्छा, ये बताइए तो फिर अमूमन आपको तालियों की जगह गालियां क्यों मिलती है? किसने कहा मुझे गालियां मिलती है? मुझे मिलते हैं अंडे, प्याज, टमाटर और आप लोग की विशेष फरमाइश पर द ब्लू स्टार कैस्टर के मन संचालक जिमी लग रहा है जमुना पार से डुप्लीकेट राख सवाल जोरदार तालियां तालियां तालियां। यहाँ मत बुलवाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आप हमारे मंच पर आए हैं जी, जी। आप सीधे खड़े रहिए पहले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये आप बार बार एक एक शब्द को बार बार क्यों बोलते हैं? जिमी जिमी जिमी। ये मैं अपनी वॉइस का खुद ईगो बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग ईगो मशीन लेते नहीं है। हम लोगों ने इतने रियाज कर ले कि तीन बार आवाज निकाल लेते निकाल लेते निकाल लेते निकाल लेते। ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ इको की जरूरत नहीं है, आप इको थोड़ा कम कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। अपने बारे में थोड़ा सा अब हम आपसे बात करते हैं। वैसे हमेशा तो महिला संगीत और ऑर्केस्ट्रा और बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम हर दिन तो मिलते नहीं होंगे आपको? बिल्कुल 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 नहीं मिलते नहीं मिलते। तो ऐसे समय में फिर आप खाली समय में क्या करते हैं? मेरे पास बहुत से काम है, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। मंचों का संचालन के अलावा मैं अपनी वॉइस लोगों को देता हूँ, बेचता हूँ। वॉइस ओवर? जी बिल्कुल, मेरे तो कई वॉइस ओवर जो है, एक तो मेरा वर्ल्ड फेमस वॉइस ओवर है, वर्ल्ड फेमस, यू नो, वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताऊं? भाई बताइए। आपको सुनना तो आप लोगों के विशेष फरमाइश पर द ब्लू स्टार ऑर्केस्ट्रा के संचालक जिमी का वो वर्ल्ड फेमस वॉइस ओवर। तो दोस्तों, बचपन की बुरी आदतों के कारण अगर आप परेशान हैं या आपको लगता है कि आपके पास अब पहले जैसी ताकत नहीं है, तो खोई हुई मर्दाना ताकत को प्राप्त करिए। ढीलापन क्यों? बस बस, ये जानते हैं, हमने सुना है, हमने भी सुना है कि ये आवाज आपकी है। जी, ये आवाज मेरी है। ये वॉइस ओवर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग धन के भूखे हैं, धन जहाँ मिलता है वहाँ पे भूख पेट भर लेते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, हमें समझ पे आ गया कि आपको। मैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे कि हिंदुस्तान के तमाम गांव में जाओगे, आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे, तो जितने भी आपको मेले लिखते हैं, मेले उन मेलों में आप मेरी आवाज पाएंगे, आप मुझे वहाँ पर पाएंगे। हाँ। मेलों में बताइए, मेलों में मैं इस प्रकार का वॉइस ओवर देता हूँ। तो चलाइए। जी हाँ, 5 साल से ऊपर के बच्चे का लगेगा टिकट। साफ खाती भाई, निवला निकलता हुआ आदमी, मौत का कुआ मौत का कुआ मौत का कुआ मौत का कुआ। थैंक यू। क्या बात है, इस प्रकार की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आवाज का जादू जहाँ दे सकते हैं आप वहां पर जाके दीजिए। हाँ। ऐसा लगा आपको मेरा वॉइस ओवर? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप अकेले ही वॉइस ओवर देते हैं या घर में और भी? मैं मतलब आप ये मानिए कि मेरी जो पूरी फैमिली है जी, माय फादर द वर्ल्ड फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट। फादर भी? या माय मदर द वर्ल्ड फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मदर भी? यस, एंड माय लिटिल सिस्टर, ही इज आल्सो वर्ल्ड फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ही इज
हाँ मतलब वो है वह वह है समझ लीजिए। हाँ तो ठीक है, तो पिताजी क्या करते हैं? मतलब मेरे पिताजी तो फिल्मों में बड़े जोर देते हैं, फिल्मों में। आप रोहित शेट्टी की फिल्में उठा लो, गोलमाल, रोहित शेट्टी जी जी, गोलमाल, गोल बच्चन, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 2-3 बैक, सारी गोलमाल फिल्मों के अंदर जो है मेरे फादर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है। इतने बड़े आर्टिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े आर्टिस्ट। कौन सा वॉइस ओवर था? रोहित शेट्टी की जितनी फिल्में आप जी देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, उसमें जब भी वो गाड़ियों की जो सीन होते थे, फाइट सीन गाड़ियों के साथ, हाँ, रोहित शेट्टी की तो खासियत है। हाँ, अरे वाह। तो उसमें जब गाड़ियां स्लिप होती थी, स्किड होती थी, वो आवाज मेरे फादर की थी। The world famous my father, ये आवाज दे। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा बहुत सी पुरानी फिल्में, हाँ, मदर इंडिया, उस समय से मेरे फादर आवाज दे रहे। उन फिल्मों में मेरे फादर ने ट्रैक्टर की आवाज दी है। तो सिर्फ मशीनों की ही आवाज देते हैं या और? ना 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 ना, मेरे फादर जानवर की आवाज देते, बहुत सारे जानवरों की। एक्चुअली वो एक्सपायर भी जो हुए वो आवाज के सिलसिले में। सॉरी वाली कोई बात नहीं है, गलती थी उनकी। गलती क्या थी? देखिए, अब जंगल में बैठ के अगर आप गाय की आवाज निकालेंगे तो शेर तो आपको खाएगी। तो क्या करेंगे? मेरे फादर जंगल में नीम के पीछे छुप के गाय की आवाज निकालते, अम्मा, पीछे से शेर आ गया, पकड़ा और ले गया। द वर्ल्ड फेमस जिमी के फादर का शेर आ गया आज की सुर्खियां। ठीक है, गलत किया उन्होंने, गलत किया। माता जी के बारे में आप बता रहे थे। माय गॉड, माय गॉड, माय मदर इज आल्सो द वर्ल्ड फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जी, उन्होंने भी कहीं आवाज दी। हाँ, मेरी मदर जो है साउथ फिल्म, साउथ से मेरी मदर बिलोंग करती है। तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मेरी मदर जो है वो किन्नरों को आवाज देती है। अरे क्या रे, अरे कैसा रे, अरे आन रे, अरे चिकने। वो मेरी मदर की आवाज है सारी की सारी। इवन साउथ के विलन्स को भी, यन्ना रास्कला, यन्ना वट्टला, इन्द पस्कला, वो सब आवाजें मेरी मदर की है। मतलब आपकी माताजी जो है वो पुरुषों को और किन्नरों को? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पिताजी जो है वो गाड़ियों की और जानवरों की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी जो छोटी बहन है वही बची है और वो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। हाँ, तो वो तो नहीं, वो छोटे मोटे काम नहीं करती। इंटरनेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जी जी, मतलब वो बिल्कुल ऊपर वाले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करती है। जैसे WHO का नेक प्रोजेक्ट करा था, आप लोगों ने देखा होगा अभी, कुछ छह रोग के ऊपर है ना, बलगम बलगम के ऊपर, टीवी के ऊपर एक एड बना था। उसमें मेरी सिस्टर ने आवाज दी थी। क्या बात है, क्या बात है, कौन सी आवाज? वो जो उसमें हीरो था, जब वो उल्टी करता है ना, तो वो मेरी सिस्टर की आवाज है। उल्टी। हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे टीवी शो होते हैं, हॉरर शोज, वो उसमें मेरी बहन चुड़ैलों को आवाज देती है। माय सिस्टर वर्ल्ड फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिमी 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 जिमी। तो आप लोगों की खास फरमाइश पर ढोलक में द वर्ल्ड फेमस छगन भाई। ठीक है, छगन भाई मेरी बात सुनिए। हाँ, जगन भाई, हाँ, तो जिमी जिमी द ब्लू स्टार ऑर्केस्ट्रा का मन संचालक जिमी। जिमी जी, जरा सुनिए। जी 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 जी, ओ ए, अरे जरा सुनिए, गाइए गाइए। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अभी आप ठीक है, अलग अलग प्रकार की आवाजें देती, तो फिल्मों में आपकी बहन ने भी आवाजें? या माय सिस्टर जी जो है, मैंने आपको पहले बताया इंटरनेशनल आर्टिस्ट। हाँ, तो पहले जो ये जो सनी लियोन जो जो उसकी पहले वाली फिल्म में थी, इसमें मेरी बहन की आवाज थी। यू नो माय सिस्टर, मोलिस सिस्टर, इंटरनेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अब बहुत ही थैंक यू प्यार चाहता हूँ इन बच्चों से, इन बातों से, इन बुजुर्गों से और मेरे युवा साथियों से। तो दोनों हाथ उठाकर एक बार लगाएंगे माता जी का जयकारा बोल, शर्म वाली माता की जय। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज के इस रात
आप जयकारा लगवा रहे तो हम जागरण भी करते हैं, हाथ करते हैं, उनके हाथों में लग जाए ताला जो मैया जी की ताली ना बजाए, ताली ना बजाए, ताली ना बजाए। दोस्तों आज का कार्यक्रम यही खत्म करते हैं और हम लेते हैं आपसे इजाजत। तो बूस्टर और कस्टर के मन संचालक जिमी, जिनके साथ में खड़े हैं मैं, नाम बताओ, निवेश भाई। तो आज का प्रोग्राम जिसका नाम है भैया जी के बोल, इसी को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों लगातार हमसे बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। आज को कैसा लगा आपका जीवी का कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आजा 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 जीवी 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 आजा आजा।